प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है, एक बार एक गांव में रीतिका रहा करती थी। रीतिका एक बेहद प्यारी बच्ची थी। रीतिका जितनी प्यारी थी वो उतनी ही समझदार भी थी। चीजों को समझने की उसकी शक्ति काफी अच्छी थी। रीतिका अपने माता पिता का सारा काम किया करती थी। अपनी माँ का वो हाथ बटाती थी घर के कामों में, तो वहीं अपने पिताजी का हाथ बटाती थी दुकान के कामों में। अरे माँ, ये बाल्टी लेकर तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी को दूध देकर आ रही हूँ, वो सुबह से काम कर रहे हैं। अरे माँ, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं जाती हूँ ना। रीतिका दूध की बाल्टी लेकर अपने पिताजी की दुकान की तरफ बढ़ जाती है। रीतिका, ये क्या कर रही हो? अरे, मैं दूध की बाल्टी लेकर पापा की दुकान तक जा रही हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो श्याम, तुम भी चलो। रीतिका और श्याम दोनों बातें करते करते रीतिका के पिताजी की दुकान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। श्याम, कितना अच्छा होता ना कि मेरे पास कोई जादुई चीज होती। मैं खेलने के लिए बहुत सारी चीजें लेती। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको अचानक जादुई चीजों की क्यों याद आई? अरे, मैंने पिताजी से पैसे मांगे थे एक बैट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बाद में ले लूंगी, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं बैट और बॉल से खेलूं। अरे कोई बात नहीं रीतिका, तुम मेरा बैट ले लेना। सच्ची श्याम, तुम कितने अच्छे हो। यही बातें करते करते दोनों दोस्त रीतिका के पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान पर पहुंचते ही रीतिका कहती है, ये लो पिताजी दूध की बाल्टी, माँ ने बादाम का दूध बनाकर भेजा है, आप जल्दी से पी लीजिए। हाँ बेटा, ठीक है, मैं पी लेता हूँ। रीतिका के पिताजी वो बाल्टी ले लेते हैं। दोनों बच्चे बाल्टी लेकर फिर से घर की तरफ आने लगते हैं। घर पर आकर रीतिका और श्याम दोनों उसकी माँ से मिलते हैं। अरे श्याम, तुम भी आए हो? हाँ माँ, देखो श्याम भी आया है। चलो आओ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। रीतिका और श्याम दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन इतने में ही धड़क से आवाज आती है। अरे क्या हो गया? माँ, देखो ये कुर्सी टूट गई और श्याम नीचे गिर गया। श्याम उठो, तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कुर्सी अब टूट गई है, आप इसे बदलवा लेना। अरे हाँ, तुम तो खा खा के वैसे भी इतने मोटे हो गए हो कि कुर्सी तोड़ दी। रीतिका, ये कैसा मजाक है? अरे कोई बात नहीं आंटी, मुझे तो इसकी ऐसी मजाक की आदत है। इतना कहकर श्याम और रीतिका हंसने लगते हैं। शाम को जब रीतिका के पापा घर आते हैं तो रीतिका की मम्मी सारी बात बताती है और उन्हें एक नई कुर्सी लाने का कहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक नई कुर्सी लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन जब रीतिका स्कूल से वापस आती है तो देखती है, अरे वाह, ये क्या, पापा तो कितनी सुंदर कुर्सी लेकर आए हैं। माँ, इस कुर्सी को मैं अपने कमरे में रखूंगी। तो रीतिका, यहाँ डाइनिंग टेबल पर कौन सी कुर्सी रहेगी फिर? अरे माँ, आप मेरे कमरे की कुर्सी ले लो। अरे भगवान, क्यों बहस कर रही हो, तुम इसके कमरे से कुर्सी ले लो और इसके कमरे में ये नई वाली कुर्सी रख दो। नई कुर्सी पाकर रीतिका बेहद खुश थी। अब तो वो बड़ा मन से पढ़ाई करने भी बैठ जाती थी, क्योंकि उसे नई कुर्सी पर बैठने को जो मिलता था। एक दिन रीतिका स्कूल से वापस लौटी। हे भगवान, कितना काम दे दिया है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। चलो बैठ कर आराम से मैं पहले काम कर लेती हूँ और फिर खेलने जाऊंगी। रीतिका कुर्सी पर काम करने के लिए बैठ जाती है। सुबह से काम कर रही हूँ, अभी तक काम ही खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मेरा सारा रविवार इसी तरह से चला जाएगा। हे भगवान, काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरा सारा काम पूरा हो जाए। कुर्सी पर बैठे बैठे टेबल पर सर रख कर रीतिका सोचने लगती है कि काश कोई चमत्कार हो जाता और उसका पूरा होमवर्क हो जाता। 5 मिनट बाद जब रीतिका सर उठाकर देखती है, अरे ये क्या, मेरा सारा होमवर्क कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया।
मुझे मजा आ गया। ये कैसे हुआ? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। नितिका ये सोचती है और नितिका अपना होमवर्क पूरा हुआ देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो भागकर श्याम के पास जाती है और श्याम को पूरी बात बताती है। श्याम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। श्याम कहता है, अरे नितिका पागल हो गई हो क्या? ऐसा भी कभी भला होता है? श्याम, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मैं कह रही हूँ ना कि ये सारा काम मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब अपनी ये बातें कहीं और फेंकना। श्याम भरोसा नहीं करता तो नितिका वापस घर लौट आती है। वो सोचने लगती है, ये कैसा चमत्कार हुआ और ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब तो मेरे पास खेलने के लिए समय ही समय है, पर फिर भी बैट तो नहीं है ना, अब मैं क्या करूँ। नितिका मन में सोचती है कि उसके पास एक बैट होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही नितिका ये सोचती है, उसके गोद में अपने आप एक बैट आ जाता है। अब तो नितिका समझ गई थी कि जिस कुर्सी पर वो बैठी है उसी का वो कमाल है। लेकिन उसे परखने के लिए नितिका ने एक और चाल आजमाई। नितिका ने मन ही मन सोचा, अरे मेरा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत भूख भी लगी है, काश एक बर्गर मुझे मिल जाए। रितिका के हाथों में अपने आप एक बर्गर आ जाता है। रितिका खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो समझ गई थी कि ये कुर्सी उसकी चमत्कारी कुर्सी है। अब तो रितिका ने ये सोचा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। रितिका अपनी हर ख्वाहिश कुर्सी से कहती और कुर्सी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। रितिका और कुर्सी अब बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। माँ क्या कर रही हो? आटा खत्म हो गया है, बाजार से लेकर आ रही हूँ। रितिका तुम ले आओगी? हाँ माँ अभी लेकर आती हूँ। रितिका को उसकी माँ पैसे दे देती है। रितिका कुर्सी पर जाकर ये ख्वाहिश करती है कि उसे आटा मिल जाए। आटे का पूरा बर्तन रितिका के सामने आ जाता है और रितिका माँ के दिए हुए पैसों को जमा कर लेती है। अब तो रितिका इसी तरह से काम करती थी और वो सारा पैसा जमा कर लेती थी। कभी भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता तो भी रितिका मदद करती थी। शाम क्या हुआ? रितिका मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम ला कर देती हूँ। रितिका ने कुर्सी से आइसक्रीम मांगी और उसे आइसक्रीम मिल गई। रितिका कभी किसी को पेंसिल, कभी किसी को रबर, तो कभी किसी को जूते दिया करती। कुर्सी से वो सबका भला करती थी क्योंकि रितिका एक अच्छी लड़की थी। एक दिन रितिका जब स्कूल से घर पहुंची, उसने देखा, ये क्या, मेरी माँ को कुर्सी से किसने बांधा है? ए लड़की, मैंने तेरे घर में आकर तेरी माँ को अगवा कर लिया है, अब तू भी चुपचाप इस कुर्सी पर बैठ जा। अरे तुम कौन हो? तू चुप कर, अपने घर में जितना भी रुपया पैसा है सबका पता ठिकाना मुझे बता। मैं लुटेरा हूँ, मैं तुम्हें लूटने आया हूँ। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तू लड़की मुझे सिखाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ? चुपचाप इस कुर्सी पर बैठ वरना तेरी माँ को जान से मार दूंगा। लुटेरा इतना कहकर रितिका को कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर करता है। माँ को बचाने के लिए रितिका उस कुर्सी पर बैठ जाती है लेकिन वो कुर्सी तो रितिका की जादुई कुर्सी थी। लुटेरा रितिका को रस्सी से बांध देता है। इधर रितिका की माँ भी बंधी हुई थी। रितिका घबरा जाती है और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए लुटेरे को सारे पैसों का ठिकाना बता देती है। लुटेरा अलमारी खोलकर पैसा निकालने लगता है। हा हा हा, आज तो मुझे बहुत पैसा मिल गया, मैं सब लूट कर ले जाऊंगा। रितिका और उसकी माँ ये सब देख रहे होते हैं लेकिन तभी तो रितिका को याद आता है कि वो जादुई कुर्सी पर बैठी है। हे कुर्सी, काश मैं आजाद हो जाऊं और मेरे पास एक हथियार आ जाए, एक बड़ा सा डंडा। कुर्सी तुरंत रितिका की ख्वाहिश पूरी करती है। रितिका आजाद हो जाती है। रितिका अब बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर पीछे से उस लुटेरे के सर पर वार करती है। ओए माँ, मर गया। इतना कहकर लुटेरा बेहोश होकर गिर जाता है। रितिका फटाफट अपनी माँ को खोलती है। माँ तुम ठीक तो हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। दोनों जोर से चिल्लाकर जल्दी से पड़ोसियों को बुलाते हैं। पड़ोसी
इकट्ठा हो जाते हैं और लुटेरे की खूब पिटाई करते हैं और साथ ही पुलिस को बुलाकर लुटेरे को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सब लोग नितिका को उसकी बहादुरी के लिए बेहद शाबाशी देते हैं। तो बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? और हाँ, इसका मोरल बिल्कुल मत भूलना। जो लोग दूसरों का अच्छा करते हैं और जो लोग समझदारी से काम लेते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, ये ही इस कहानी का मोरल है। और बच्चों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।